अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर का सालन। आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ और रोटी के साथ। इंग्लिश में आप इसे बीट रूट कहेंगे। तो मैंने इसको चिप्स की तरह काट लिया है। इसके लिए आपको चाहिए हैं 3 अदरक टमाटर, इमली, आपको इमली का पल्प चाहिए है तकरीबन अपने हिसाब से जितना आप खटास हैं। तो मैंने जो लिया है वो एक समझे कि आधी इतना सा एक टुकड़ा ले लिया। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। प्याज दरमियानी लेनी है, ये बहुत बड़ी प्याज थी, मैंने आधी ले ली है। आप एक दरमियानी साइज की प्याज ले लीजिएगा। हरी मिर्च है। और एक पॉट में मैंने ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए रखा है। तो तकरीबन मैंने अपने हिसाब से ऑयल देख लीजिए, ये इतना लिया है जो है उसका 1.5 चम्मच। जो भी ऑयल यूज करते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो ये प्याज जो है इसमें बारीक बारीक ये हम डाल देंगे, जैसे सालन के लिए डालते हैं। दरमियाना कर लीजिएगा, जरा आँच तेज हुई थी। तो हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, गुलाबी कलर। प्याज ऐसी सफेद सफेद सी रहेगी, देखिए थोड़ी सी कुछ कुछ ब्राउन है, कुछ कुछ सफेद है, बस हमें इसी तरह चाहिए। और ये हम चुकंदर इसमें डाल देंगे। चुकंदर जब आप छीलेंगे बीट रूट को, तो आप उसको जो है वो धो लीजिएगा, फिर उसके बाद काटिएगा। जैसे चाहें आलू की कतलियों की तरह चाहें वैसे काट लें, और अगर चाहें तो चिप्स की तरह। ये इसमें मसाला ज़रा सीज जाता है, मोटाई ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप कतलियों की तरह सालन में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए वरना वो मसाला नहीं पीता है। आँच थोड़ी सी तेज़ करेंगे हम, और इसके अंदर अदरक लहसुन तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल के इसको थोड़ा सा तल लेंगे। तकरीबन इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए मुझे। अब इस मौके पे मैं इसके अंदर, मैंने आपको 3 हरी मिर्चें दिखाई हैं, अपनी मिर्च अपनी पसंद से, मैं हमेशा कहती हूँ जो भी मिले ये ही डाल दीजिए। नमक डालेंगे अपनी पसंद के हिसाब से, मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दूँगी। चुकंदर मैं आपको बताना भूल गई, ये तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर है, किलो से कम है। मिर्च 1.5 टीस्पून हिसाब से अपने डालिएगा, और हल्दी 1/2 टीस्पून, 3 टमाटर ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर खटास बहुत अच्छी लगती है, तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के वक्त इसमें भुनाई अच्छी हो तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो तकरीबन 6 मिनट हम इसको भूनेंगे, इसमें हमारे मसाले भी हो जाएंगे। पानी नीचे कोई नहीं है, आप देखिए ऑयल है, तो ये हो जाएगा मसाले और ऑयल। इस सब्ज़ी में इतना पानी होता है, टमाटर में वो खुद ही छोड़ देती है, इसमें आपके मसाले भी भुन जाएंगे। थोड़ी देर के लिए लिड लगाएंगे और उसको बिल्कुल भुनने देंगे। हल्का सा जो टमाटर वगैरह का पानी आ जाएगा बस वो, और फिर इसको हम अच्छी तरह कस के फिर उसमें पानी लगाएंगे। अभी पानी वगैरह कोई नहीं डाला है मैंने, कोई पिसा धनिया कोई चीज़ नहीं डाली। ग्रेवी खुद ही सब्ज़ी और टमाटर और प्याज के पानी से बनेगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी वो किस तरह होगी। 6 मिनट हो गए इसको भुनते हुए, ये देखें इसकी कंडीशन, कितना सब्ज़ी ने पानी छोड़ा है, अच्छी तरह भुन गया। हल्दी की कचाइन भी खत्म हो गई है। देखिए आवाज आ रही है आपको,
ये सिजलिंग जो साउंड है ये इसकी निशानी है कि ये अच्छी तरह हो गया। जितनी देर में हमारा सालन हो रहा है ये मैंने इमली का जो लेके और उसका धो के अच्छी तरह पानी में भिगो दिया है ताकि उसका पल्प रेडी हो जाए, तो मैं दिखाऊंगी कितने चम्मच मैं इसको यूज़ करूंगी। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं और हम इसकी कंडीशन देखेंगे। चार से पाँच मिनट बाद खोल के देखेंगे ये कंडीशन है इसकी। सब्ज़ी पानी छोड़ती है तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। मैंने 1.5 कप डाला था। तो अगर जो है वो कहते हैं आपको शोरबा रखना है तो आप उसमें थोड़ा और डाल सकते हैं। चुकंदर गल गया है बिल्कुल, ये देखिए आराम से छुरी जा रही है इसके अंदर। ये देखिए थोड़ी सी सख्ती रहती है, बिल्कुल नहीं गल जाता है ये। अब इसमें मुझे जो है मैं पल्प डालूंगी, तकरीबन 1 ये भर के डाल लूँ। खट्टा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम लोग ज़रा खट्टा ही खाते हैं, इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। और गरम मसाला अपनी पसंद के मुताबिक, थोड़ा सा धनिया के पत्ते, मैंने डंठल समेट काटे हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक काट लीजिएगा। और इसको 5 मिनट का मैं और इसमें दम दूंगी ताकि वो मसाला अच्छी तरह इसमें रच बस जाए और इमली का पानी भी कम हो जाए। शोरबा अपने हिसाब से रखिएगा। और 5 मिनट बाद मैं आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे पकाने में। अगर आप इसे जो है वो क्या कहते हैं गोश्त के साथ पकाना चाहते हैं तो भी मसाले यही रहेंगे, पिसा धनिया नहीं डालिएगा वरना पूरी डिश ख़राब हो जाएगी। तो गोश्त को इसी तरह हल्दी, प्याज, नमक, मिर्च और टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लीजिएगा, उसके बाद गला के और फिर ये चुकंदर डाल दीजिएगा। तो अगर आप गोश्त के साथ करते हैं तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे। शोरबा अपनी पसंद से बिल्कुल खुश्क करना चाहें या थोड़ा सा उसमें शोरबा रखना चाहें, इस अप टू यू, जिस तरह आपके घर वाले चाहते हैं। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट बाद। रेडी है, तो जब आप निकालने लगे, निकालने से थोड़ा सा पहले आप इसमें नमक चख लीजिएगा, मिठास की तरफ होता है, खटास मिठास आप देख लीजिएगा। मिर्चें क्योंकि मैंने इसीलिए रखी थी, हर कोई कम खाता है नमक, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खटास खाता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये रेडी शोरबा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा शोरबा है अगर आप इस तरह देखें। धनिया छिड़क दीजिए और बहुत अच्छा लगता है। गोश्त के साथ बनाइए, यही मसाला होगा, बगैर गोश्त के बनाइए, राइस के साथ, रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, ये खून बढ़ाता है। तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।